हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने सेम थ्योरम को पढ़ा था। थ्योरम ये था, इफ साइन ए इक्वल साइन बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी। सिमिलरली इफ कॉस ए इक्वल कॉस बी then angle A equal angle B. Also if tan A equal tan B, then angle A equal angle B. Where angle A and angle B are in different triangles. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यही थ्योरम बताया था जिसमें एंगल ए और एंगल बी सेम ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल, बट यहां पर जो है एंगल ए और एंगल बी दो अलग अलग एंगल है जिससे दो अलग अलग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। और इन ट्रायंगल्स में अगर साइन ए और साइन बी का वैल्यू इक्वल है तो हम प्रूव करेंगे एंगल ए और एंगल बी भी क्या होगा, इक्वल होगा। जबकि आप यहां देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा ट्रायंगल है, बट एंगल हमें प्रूफ करना है कि वो सेम होगा, क्योंकि यहां पे गिवन ये है कि साइन ए इक्वल साइन बी। उसी तरह से अगर कॉस ए इक्वल कॉस बी है तो भी एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा, अगर टैन ए इक्वल टैन बी है तो भी एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा। अगर सिर्फ एंगल को देखते हैं तो इस एंगल को यहां से जो एंगल हमारा एम ए एन है इसमें एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है एम एन परपेंडिकुलर ए। उसी तरह से इस एंगल में जो एंगल पी बी टी है यहां पे पी टी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है बी टी पे। हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। कंडीशन गिवन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी और इफ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी और इफ टैन ए इक्वल टू टैन बी। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है फर्स्ट वाले में, साइन ए इक्वल साइन बी, राइट, साइन ए इक्वल साइन बी। देन वी नो दैट साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फॉर दिस एंगल ए साइन ए इक्वल्स टू एम एन बाई एम ए, राइट। ऑल्सो इन दिस ट्रायंगल साइन बी इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फॉर बी परपेंडिकुलर इज पी टी एंड हाइपोटेनस इज ए बी, हेंस साइन बी इक्वल पी टी बाई पी बी। ओके, अब जो रेशियोज हैं इन रेशियोज को देखा जाए तो एम एन बाई एम ए एक ही ट्रायंगल में है, एम एन और ए एन एक ही ट्रायंगल में है, एम एन और ए एम ए एक ही ट्रायंगल में है। क्रॉस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करना है तो क्रॉस्पॉन्डिंग साइड को एम एन, एम एन के लिए क्रॉस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा पी टी, तो एम एन के साइड में पी टी लाने के लिए ये ट्रिक है, एम एन के साइड में पी टी को लाने के लिए इस पी टी को इस साइड लाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा एम एन बाई पी टी। फिर यहां पे जो डिवाइड में एम ए है ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एम ए बाई पी बी। ध्यान से इसको समझेंगे, एम एन और पी टी क्रॉस्पॉन्डिंग है, एम एन और पी टी क्रॉस्पॉन्डिंग है, इसलिए एम एन के साथ पी टी का रेशियो बनाने के लिए पी टी को हमने इस तरफ लिया है, पी टी उस साइड मल्टीप्लाई में है
न्यूमरेटर में है इस साइड क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और एम ए इस साइड डिनोमिनेटर में है उस तरफ ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, इसलिए हो गया एम ए बाई पी टी इक्वल एम ए बाई पी बी, और इक्वल्स सपोज कर लेते हैं के, लेट देन यहां से एम एन और एम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन एम एन इक्वल के इंटू पी टी, के इंटू पी टी, फिर यहां से एम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एम ए इक्वल के इंटू पी वी, ओके। अब देखना यहां हम लोगों ने दो साइड का रेशियो तो ले लिया, एम एन और पी टी का रेशियो एम एन और पी टी, एम ए और पी वी का रेशियो एम ए और पी वी का रेशियो, तो तीसरा साइड क्या बच रहा है, तीसरा साइड बच रहा है ए एन और बी टी, इसलिए फिर हम लोग ए एन और बी टी का रेशियो ऑप्टेन करते हैं। फिर यहां से लिखते हैं नाउ ए एन बाई बी टी, ठीक है, क्यों लिए यही पे सोचना है, यहां पे जो हमने किया कि एम एन और पी टी का रेशियो लिया क्रॉसपॉन्डिंग के लिए, एम एन का क्रॉसपॉन्डिंग पी टी है तो ऑटोमेटिक एम ए इस साइड चला गया तो एम ए का क्रॉसपॉन्डिंग हो गया पी वी, उसी तरह से ए एन का क्रॉसपॉन्डिंग बी टी लग रहा है तो ए एन बाई बी टी हम लोग ऑप्टेन करते हैं, तो ए एन क्या होगा, ए एन का वैल्यू निकालेंगे ये बेस होगा, बेस इक्वल होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहां से ए एन इक्वल हो जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, यहां से ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो ए एन इक्वल हो गया अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ए एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, फिर उसी तरह से इस ट्रायंगल में बी टी फाइंड करेंगे तो बी टी इक्वल क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, राइट। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, ए एम और एम एन दोनों का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, ए एम की वैल्यू क्या है, ए एम की वैल्यू है के इंटू पी बी, ये ए एम स्क्वायर है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी बी स्क्वायर माइनस ये क्या है एम एन स्क्वायर, एम एन की वैल्यू क्या है के इंटू पी, एम एन का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी टी स्क्वायर, नीचे वाले को जस का तस लिख देना है अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, बी टी इक्वल क्या हुआ था हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, ये यहां पे है पी टी स्क्वायर, तो ये हो गया पी बी स्क्वायर माइनस और पी टी स्क्वायर, पी टी का वैल्यू कुछ नहीं है बस वो जो का त्यों रह जाएगा, ये हो गया पी टी स्क्वायर, अब क्या होगा के स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा तो के स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर इंटू पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर भी वही है अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, तो यहां से ये अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो बच गया अंडर रूट के स्क्वायर, और अंडर रूट के इक्वल्स के, अगर इसको हम लोग फर्स्ट लिखते हैं और इसको सेकंड लिखते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में क्या है एम एन बाई पी टी इक्वल एम ए बाई पी बी इक्वल के, और सेकेंड में क्या है ए एन बाई बी टी इक्वल के,
दोनों का आर एच एस साइड सेम है, तो एल एच एस साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल ये हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एम एन बाई एम ए इक्वल पी टी बाई पी बी और इक्वल ए एन बाई बी टी, ए एन बाई बी टी। आप देख सकते हैं कि पी एम बाई पी टी और एम ए बाई पी बी दोनों का वैल्यू के है जो हमने सपोज किया था, और थर्ड जो रेशियो है ए एन बाई बी टी इसका भी वैल्यू हम लोग जो निकालो वो भी आ गया के, इसलिए क्या हो गया ये इसके इक्वल हो गया। तो देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में इसके तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। कैसे? एम एन बाई एम ए, एम एन बाई एम ए, यहां से हम लोग देखेंगे एम एन बाई पी टी, ये पी टी है ना, ये नीचे वाला आपका नंबर एम एन बाई पी टी, एम एन बाई पी टी, ठीक है, और ये है एम ए बाई पी बी, एम ए बाई पी बी, और इक्वल ये क्या आया यहाँ पे ए एन बाई बी टी। तो देख रहे हैं कि एम एन बाई पी टी, एम एन बाई पी टी ये रेशियो हुआ, एम ए बाई पी बी, एम ए बाई पी बी ये रेशियो हुआ, और तीसरा हो गया ए एन बाई बी टी, ए एन बाई बी टी ये रेशियो हुआ। तीनों रेशियो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। अगर रेशियो सेम होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, बाई एस 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 सिमिलैरिटी। तो यहां पे हो जाएगा हेंस ट्रायंगल एम ए एन सिमिलर ट्रायंगल पी बी टी बाई एस 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 सिमिलैरिटी। और आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स ए और बी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये प्रूव हो गया। फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन ये था कि इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो साइन ए इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो गया एम एन बाई एम ए, एम एन बाई एम ए। साइन बी क्या है? साइन बी हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसमें तो ये हो गया पी टी बाई पी बी, पी टी बाई पी बी। इसको हम लोग पी टी को इस साइड ले आए तो पी टी डिवाइड में हो गया, और एम ए को उस साइड कर दिया तो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में चला गया, ये हो गया एम एन बाई पी टी इक्वल एम ए बाई पी बी। इसको हम लोगों ने सपोज किया के इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इसलिए किए कि एम एन और पी टी क्रॉस्पॉन्डिंग आ जाता है, और एम ए और पी बी, एम ए और पी बी क्रॉस्पॉन्डिंग आ जाता है दोनों ट्राइंगल्स में। तो तीसरा रेशियो हमारा बच रहा है ए एन बाई बी टी, तो यहां भी हम लोग जो है निकाल लेते हैं ए एन बाई बी टी, और ए एन बाई बी टी का वैल्यू निकालने के लिए ए एन जब लेंगे तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, और बी टी का वैल्यू आ जाएगा यहां से फिर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर। अब ए एम और एम एन का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, ए एम का वैल्यू जो है वो आया है के इंटू पी बी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर इंटू पी बी स्क्वायर माइनस एम एन है, एम एन का वैल्यू के इंटू पी टी, तो के स्क्वायर इंटू पी टी स्क्वायर, नीचे वाला जस का तस रह गया, इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो के स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बच गया पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, और नीचे वाला वही है पी बी स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसल हो गया, फिर बचा क्या के स्क्वायर का रूट, और के स्क्वायर का रूट क्या हुआ के। तो देख सकते हैं
कि इसका वैल्यू भी के है और इसका वैल्यू भी के आया, तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, एम एन बाई पी टी इक्वल एम ए बाई पी बी इक्वल ए एन बाई बी टी, और इस तरह से ये तीनों साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल में सेम आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल एम ए एन सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी बी टी का, और जब सिमिलर होगा तो एस 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 सिमिलरिटी से इसको हम लोगों ने सिमिलर किया, और जब सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग बी है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू क्या हुआ, एंगल बी। इसी तरह से सेकेंड वाले प्रूफ करेंगे। सेकेंड वाले में क्या करना है, कॉस ए इक्वल कॉस बी है तो पूरा स्टेप वही होगा, सेम पैटर्न ना, इसको हम लोग सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं। बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस किसी भी तरह से हो सकता है, इसलिए तीनों को हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। सेकेंड अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो सेकेंड है कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो गिवेन कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब उसी तरह से कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस हो गया ए एन और हाइपोटेनस हो गया ए एम, कॉस बी के लिए क्या होगा, वैसे ही बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इसका क्या है बी टी और हाइपोटेनस क्या है बी पी, फिर वही काम करेंगे, हमें क्या लेना है क्रॉस्पॉन्डिंग लेना है, तो ए एन का क्रॉस्पॉन्डिंग बी टी होगा, तो ए एन के क्रॉस्पॉन्डिंग बी टी लाने के लिए इस बी टी को इधर ले आएंगे, बी टी मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा और ए एन को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए एन बाई बी टी इक्वल, ए एम उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा ए एम बाई, ये आया कॉस बी का वैल्यू था बी टी हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, ये है बी पी ना, सुन लो बी पी, तो यहां पे आ गया बी पी, ए एन बी टी को इस साइड ले आए और ए एम चला गया इधर, तो ए एम बाई हो गया बी पी। अब यहां देखें कि ए एन बाई बी टी कैसे आ रहा है, ए एन बाई बी टी बेस बेस का क्रॉसबॉन्डिंग आ रहा है, ए एम बाई बी पी, ए एम बाई बी पी हाइपोटेनस हाइपोटेनस का क्रॉसबॉन्डिंग आ रहा है, तो फिर तीसरा हम लोग को रेशियो लेना है किसका, इसका एम एन बाई पी टी का, हम लोग यहां से फिर ऑब्टेन करेंगे एम एन बाई पी टी, लेकिन इसके लिए ये जो आया इसको फिर से वैसे ही हम लोग सपोज करते हैं के, और जब के सपोज करेंगे और लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से एन और एम का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा ए एन इक्वल बी टी इधर मल्टीप्लाई होगा के इंटू बी टी, और फिर ए एम का वैल्यू अगर निकालेंगे एंड ए एम इक्वल ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा के इंटू बी पी। अब जो थर्ड रेशियो है वो हम लोग को निकालना है, थर्ड रेशियो क्या आ रहा है, थर्ड रेशियो हम लोग को निकालना है एम एन बाई पी टी, एम एन बाई पी टी, क्यों एम एन बाई पी टी की जरूरत पड़ी, यहां पे देख रहे कि ए एन बाई पी टी ऑलरेडी है, ए एन बाई बी टी इक्वल ए एम बाई बी पी, ए एम बाई बी पी ऑलरेडी है, तो तीसरा यही बच रहा है ना, तो तीसरा क्या हो जाएगा एम एन बाई पी टी, एम एन बाई पी टी का वैल्यू निकालते हैं, तो एम एन इक्वल क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, अंडर रूट ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एम स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, और पी टी का वैल्यू उसी तरह से अगर पी टी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। अब उसी तरह से जो है यहां पर ए एम और ए एन का वैल्यू जो निकाले हैं, ए एम का वैल्यू क्या है के इंटू बी पी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी पी स्क्वायर माइनस, ये ए एन है, ए एन का वैल्यू क्या है के इंटू बी टी, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू
बीपी का स्क्वायर, और नीचे भी वही है, नीचे कुछ नहीं करना है, उसको जस्ट का तस लिख देना है, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया पीबी स्क्वायर माइनस बीटी स्क्वायर। अब यहां से के स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ये हो जाएगा पी बी पी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर अंडर रूट, और यहां भी जो है अंडर रूट है पी बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, यहां भी दोनों रूट में ये कैंसिल हो जाएगा ना, आप कैंसिल कर भी सकते हैं, और यहां बच जाएगा कि अंडर रूट के स्क्वायर, तो अंडर रूट के स्क्वायर दैट मीन्स के, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर उसी तरह से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में के का वैल्यू ये है और सेकेंड में के का वैल्यू आया इसका, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा ए एन बाई बी टी इक्वल ए एम बाई बी पी इक्वल, ये हो गया एम एन बाई पी टी। अब देखेंगे ये तीनों क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहे होंगे, ए एन बाई बी टी कैसे आ रहा है, ए एन बाई बी टी बेस बेस का, ए एम बाई बी पी, ए एम बाई बी पी हाइपोटेनस हाइपोटेनस का, और एम एन बाई पी टी एम एन बाई पी टी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, यानी दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए प्रोपोर्शनल, तो तीनों साइड्स उसके प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर ट्रायंगल बी पी टी बाई एस 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 सिमिलैरिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो हेंस एंगल ए इक्वल एंगल बी, प्रूफ यही प्रूफ करना था ना कि हमारा एंगल ए और एंगल बी क्या होगा इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। कि उसी तरह से थर्ड नंबर भी होगा, टेन ए इक्वल टू टेन बी अगर लेते हैं